अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ महकमे जात के 20 IAS ओहदेदारों के तबादले, वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी ने किया तकरर। माह जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में असम्बली का मानसून इजलास मुनक़िद होगा, नायब वज़ीरे आला भट्टी विक्रम आर का बजट की तैयारी का जायज़ा लेने में मसरूफ। बरखी मसले की गैर जानबदाराना तहकीकात करवाई जाए, साबिक वज़ीरे आला KCR का बयान। मंडी से रुकन असम्बली अहमद बलाना ने अकबरबाग डिवीजन में मुनक़िद किया जायज़ा इजलास, MN एरिया हॉस्पिटल का अमला भी मौजूद। कत्ल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार, आसिफ नगर रोड पर खुलेआम किया गया था कत्ल। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के साबिक वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव ने उनके दौरे हुकूमत में बरखी खरीदी से मुतालिक की जा रही तहकीकती कमीशन के सदर नशीन जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए वजाहतें तलब की है। साबिक वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव ने उनको बरखी कमीशन के जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त का सख्त अल्फाज में जवाब देते हुए बताया कि आप बरखी मसले की गैर जानबदाराना तहकीकात करने की बजाय किसी के दबाव में जानबदाराना तहकीकात कर रहे हैं, इसलिए आपको चाहिए कि फौरी तौर पर तहकीकती कमीशन से दस्तबरदारी इख्तियार करें। साबिक वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के मौके पर रियासत बरखी बहरान से मुतासिर थी, जब BRS हुकूमत ने न सिर्फ बरखी खरीदी करते हुए और थर्मल पावर प्रोजेक्ट कायम करते हुए बरखी बहरान पर काबू पाया गया, बल्कि 24 घंटे बरखी सरबराह की गई। रियासती वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी ने 20 IAS ओहदेदारों के तबादले करते हुए मुख्तलिफ कलमदान उनके हवाले किए। नाज़रीन, इस खबर के साथ देखते हैं दीगर अहम खबरें। रियासत तेलंगाना में BRS का 10 साल दौर इख्तदार ख़त्म होते ही रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तदार आने के बाद वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी की जानिब से बड़े पैमाने पर ओहदेदारों के तबादले करने की इंतखाबी ज़ाब्ते अख़लाक ख़त्म होने में होते ही खयास आराइयाँ जारी थी। वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ 20 IAS अहदेदारों के तबादले करते हुए सिलसिला के कलेक्टर की हैसियत से संदीप कुमार झा को, करीमनगर कलेक्टर की हैसियत से अनुराग और नागर कर्नूल कलेक्टर की हैसियत से मनुष भैरवात को तखर और अमल में लाया गया। आशा वर्कर्स ने फैमिली वेलफेयर महकमे जात के दफातर वाक़े कोठी का घेराव किया, जहां सैकड़ों वर्कर्स धरना देते हुए कांग्रेस हुकूमत और वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा कर रहे थे कि वो कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में उनसे किए गए वादों को फौरी तौर पर रूबे अमल लाए। कई वर्कर्स ने बताया कि जब से रियासत में कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तदार आई है, तब से आशा वर्कर्स के मसाइल में कमी आने की बजाय इजाफा हुआ है। खासकर ओहदेदारों की जानिब से आशा वर्कर्स को काफ़ी हिरासा किया जा रहा है। Hey
तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास माह जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में मुनक्किद होगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में साल 2024-25 का मुकम्मल बजट पेश करने के अलावा किसानों के लाखों रुपए तक के खर्चात माफ़ करने पर मुबाहस मुनक्किद होंगे। इसके अलावा धरानी पोर्टल पर और शोबे तालीम पर मुबाहस मुनक्किद किए जा सकते हैं। इस इजलास में कई एक मसाइल पर मुख्तसर मुबाहस भी होने का इम्कान है। नायब वज़ीर-ए-आला वज़ीर फ़ाइनेंस भट्टी विक्रमार्का अपने महकमे और दीगर महकमेजात के आला अधिकारियों के साथ बजट की तैयारी का मुसलसिल जायज़ा लेने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सेहत के साथ दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने अपनी सालगिरह प्रजा भवन में अपने अराकीन ख़ानदान के हमरा मनाते हुए केक काटा और उनके सैकड़ों चाहने वालों से मुलाकात की। आवाम ने खतार में खड़े होकर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और उनकी तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद भी पेश की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के हमरा नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने शहर के रेजिडेंशियल स्कूल पहुंचकर तुलबा के साथ लंच किया। तुलबा ने उन्हें उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असेंबली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीजन में MN एरिया हॉस्पिटल में अमले के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के सरकारी हॉस्पिटल्स में मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर तिब्बी खिदमात के लिए रुकन असेंबली अहमद बलाला शबो रोज मसरूफ हैं। रुकन असेंबली ने हफ्ते को मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में सुपरिंटेंडेंट, बोर्ड मेंबर्स, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ इजलास मुनक्किद किया। सुपरिंटेंडेंट त्रिलोक श्याम ने बताया कि हॉस्पिटल के सदर नशीन अहमद बलाला की क़यादत में हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। सदर नशीन हॉस्पिटल अहमद बलाला ने हॉस्पिटल की कारकर्दगी और दूसरे उमूर का तफसीली जायजा लिया। रुकन असेंबली ने डॉक्टर्स पर जोर दिया कि अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ज़रूरत हो तो इसे इल्म में लाएं, इसे फौरी यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने डॉक्टर्स पर जोर दिया कि किसी भी मर्ज से मुतासर अफराद को मुमकिन इलाज की सहूलतें मिलनी चाहिए। रुकन असेंबली ने यह भी कहा कि हॉस्पिटल में जो खिदमात दस्तियाब है उसके बारे में भी शऊर बेदार किया जाए। उन्होंने हॉस्पिटल के अमले की कारकर्दगी की भी सताइश की। रियासती हज कमेटी के ज़रिए फरीज़ा हज के लिए गए शास्तेपुरम के साकिन 69 साल आज़िम मोहम्मद ताजुद्दीन का मीना में इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत और लू के लगने की वजह से मोहम्मद ताजुद्दीन का इंतकाल हुआ है और उनकी अहलिया भी उनके साथ मुक़दस सफ़र पर गई हुई थी। हज कमेटी और ख़ादिमुल हज्जाज की तरफ से सिलसिले में इक़दामात किए जा रहे हैं। दूसरी जानी फरीज़ हज के लिए गए मोहम्मद ताजुद्दीन जिनका मीना में इंतकाल हुआ है उनके अफराद खानदान ने हज हाउस नामपल्ली के दफ्तर में एहतजाज मुनज़िम किया।
अफरान खानदान ने कहा है कि आज़मीन को मौसी सहूलतें फराहम नहीं की गई, उनके सफ़र के लिए भी मौसी इकदाम नहीं किए गए थे। दूसरी जानब हज कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा है कि आज़मीन की सहूलतों के लिए और उनकी मौसी खिदमत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और हम मीना और अरफात में खादिमुल हज्जाज के साथ रबते में हैं। हुज्जाज कराम अजीजिया से मीना की तरफ रवाना हुए, कल रात से हुए थे 7 तारीख की मगरिब से। ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, बहुत सारे हुज्जाज कराम को ईशा के बाद बसेस ला के लगाते बल्कि बोले, फिर वो फजर तक हो गया, फिर बाद में 10-11 बजे तक भी नहीं लेके आए। ये सुबह में हमको नोटिस मिली, रात में 4 बजे रात से ये कंप्लेंट्स आना शुरू हुए कि भाई 7 ज़िलहज्जा के मगरिब के बाद 8 ज़िलहज्जा लग गए और हमको ईशा के बाद तैयार रह के रहो बोले थे, लेकिन मौलिम साहब जो है ना बसेस नहीं लेके आए टाइम के ऊपर। उसकी जैसा भी हमको ये नोटिस मिली, हम इमीडिएट जो है ना कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा से बात करें और वहाँ के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त अभी ताखिर से पहुँचे हैं मीना को, क्योंकि जोहर में पहुँचना था हुज्जाज कराम को, 8 तारीख की ज़िलहज्जा के जोहर तक वो मीना में पहुँचने का था, लेकिन जोहर तक नहीं पहुँचे बल्कि ईशा के मगरिब और ईशा के दरमियान में पहुँचे और कुछ लोग ईशा के बाद में भी पहुँचने वाले हैं। अभी हमारे इत्तला मिली है अजीज़िया में कि भाई तमाम हुज्जाज कराम जो है ना मीना पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो है ना अरफात का दिन है, वो इंशाल्लाह बस के ज़रिए या ट्रेन के ज़रिए अरफात को रवाना होंगे। मैं हुज्जाज कराम से गुजारिश करता हूँ कि वो सब्र और तहम्मुल के दामन में रहे, क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा है, इसी दौरान वहाँ पे धूप ज़्यादा है और वहशियत भी ज़्यादा है। हाजी साहब को जो है ना टेंट में जो है ना जगह भी नहीं मिल रही। अभी एक कंप्लेंट आया था बिल्डिंग नंबर 466 है कि भाई हुज्जाज कराम को पहले तो अजीज़िया से मीना को ले जाने के लिए दुश्वारी हुई और जब हम मीना में पहुंचे तो हमारे को वहाँ पर भी टेंट नहीं मिल रहा और वहाँ पे जब प्रॉब्लम आ रहा है, असल प्रॉब्लम जो है ना नुसुक ऐप जो आया है, नुसुक कार्ड, वो कार्ड के अंदर एक अलग नंबर है, जब हम मीना के कैंप के अंदर गए तो उसके अंदर अलग नंबर है, तो अंदर आने नहीं दे रहे, किसी को अंदर आए तो फिर बाहर जाने भी नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग जो है ना स्टैंडर्ड है मीना के अंदर, दुश्वारी हो रही और बहुत सारे ज़ईफ़ हाजी भी है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम कौंसलेट से बात करें, इंडियन हज मिशन से भी बात करें, तो सिफारतुल हिंद से कि भाई ये मसले को हल करने के लिए। तो 466 के जो हुज्जाज कराम थे ज़रा ताखिर से पहुँचे हैं, जबकि उनको जोहर तक पहुँचने का था मीना को, तो आज शाम में 9, 9:30, 10 बजे तक इंशाल्लाह पूरे लोग पहुँच जाएंगे। ये 466 के बिल्डिंग में जो है ना एक मोहम्मद ताजुद्दीन साहब हाजी साहब, जिनका जो कवर नंबर है TSF 995-2-0, इनके अहलिया के साथ हज को गए थे, ये शास्त्रीपुरम मैलारदेव पल्ली राजेंद्र नगर में रहने वाले हैं। इनका जो है ना हीट वेव की वजह से सफोकेशन होके बस के अंदर चढ़ गए थे, चढ़ने के बाद में मेरे को कैसा कि हो रहा सांस चढ़ के आ रही बल्कि जो है ना फिर नीचे उतरे, उसके बाद फिर उनको CPR अटेंड करे, हुज्जाज कराम जो भी थे उनको CPR भी अटेंड करे, लेकिन उन्होंने इंतकाल हो गया उनका, मोहम्मद ताजुद्दीन जो हैदराबाद शास्त्रीपुरम मैलारदेवपल्ली राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं। ये इनका नाम है मोहम्मद ताजुद्दीन, कवर नंबर है 995-2-0। इंशाल्लाह कल जो है ना सुबह में, आज रात से ही मीना से जो है ना अरफात का मूवमेंट होगा, जो ट्रेन है ट्रेन से जाएंगे, जो बस है बस से जाएंगे, लेकिन जो हुज्जाज कराम को मीना में टेंट नहीं मिला उन्होंने खादिमुल हुज्जाज के ज़रिए इंडियन हज मिशन ऑफिस, जहाँ पे IHPO इंडियन हज पिलग्रिम्स ऑफिस जो है वहाँ पे रुजू हो, ताकि उनको जो है ना अलॉटेड कैंप मिले और मौलिम के सर्विसेज मिले और खादिमुल हुज्जाज के भी सर्विसेज मिले। इसी के साथ शुक्रिया, अल्लाह। मोहम्मद सैफुद्दीन टोस्ट मास्टर क्लब एरिया 1 डिवीजन ए डिस्ट्रिक्ट 79 के डायरेक्टर मुंतखब हुए।
उनके ओहदे की मियाद एक साल 2024-2025 होगी। वो मौजूदा डायरेक्टर मिर्ज़ा ज़हीर बेग के जानशीन होंगे। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे अबू सलमान के मुताबिक मोहम्मद सैफुद्दीन साबिक में बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर क्लब रियाज BUTMC सदर भी रह चुके हैं। इस तरह बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब को एक बार फिर डायरेक्टर शिप का एजाज हासिल हुआ है। इससे कबल BUTMC के साबिक सदूर आर्किटेक्ट अब्दुलरहमान सलीम और मिर्ज़ा ज़हीर बेग भी एरिया वन के डायरेक्टर के ओहदे पर फायज रहे हैं। मोहम्मद सैफुद्दीन BUTMC के असास अराकीन में से हैं और एक तजुर्बेकार टोस्ट मास्टर हैं। आसिफ नगर पुलिस ने जुमेरात 13 जून की रात आसिफ नगर रोड पर एक शख्स को खुलेआम कत्ल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। आसिफ नगर पुलिस ने जुमेरात 13 जून की रात आसिफ नगर रोड पर एक शख्स को खुलेआम कत्ल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि यह कत्ल मुलजमीन के भाइयों में से एक के कत्ल का बदला लेने के लिए किया गया था। इस कत्ल से शहरियों में एक सनसनी और खौफ पैदा हो गया था। गिरफ्तार शुगान में 27 साल सैयद ताहिर, 24 साल सैयद इमरान, 24 साल सैयद मुजफ्फर और तीनों भाई हैं, जबकि सैयद अमान और शेख जावेद उनके रिश्तेदार हैं। इंचार्ज DCP साउथ वेस्ट स्नेहा मेहरा ने बताया कि मकतूल मोहम्मद खुतबुद्दीन ने आसिफ नगर में एक बार के करीब 2023 में मुलजमीन ताहिर इमरान और मुजफ्फर के भाई मुजाहिद को कत्ल किया था और इस कत्ल के बदले के तौर पर यह वारदात अंजाम दी गई। उन्होंने सिलसिले में मज़ीद तफसीलात भी बताईं। पूरे एक साथ लगा करो बस ले जाओ भाई एक साथ ला दो नाज़रीन रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की हैदराबाद में वाकई ख़यामगाह के पास गैर मजाज तामीरात को मुनहदम किया गया है। ज़राए के मुताबिक लोटस पाउंड के पास हैदराबाद बल्दिया की तरफ से ये कार्रवाई की गई। मुकामी अवाम की तरफ से इस कार्रवाई का खैर मकदम किया गया। हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में शौहर की दूसरी औरत के साथ रंगरलियों को खातून ने बेनकाब किया है। अंबरपेट DD कॉलोनी में ये वाकया पेश आया। जैसे ही खातून को इतला मिली वो शौहर के ठिकाने पर पहुंच गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अफराद खानदान भी वहां पर जमा हो गए थे। बहस तकरार और धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए।
अलवाल में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाया गया है। बताया गया है कि मुख्तलिफ मुकामात से जमा करते हुए चावल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। बाज़ अफराद को तहवील में लिए जाने की भी इत्तला है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ महकमे जात के 20 IAS ओहदेदारों के तबादले, वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी ने किया तकरीर। माह जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में असम्बली का मानसून इजलास मुनक़िद होगा। नायब वज़ीरे आला भट्टी विक्रम आर का बजट की तैयारी का जायजा लेने में मसरूफ। बरखी मसले की गैर जानबदाराना तहकीकात करवाई जाए, साबिक वज़ीरे आला KCR का बयान। मंडी से रुकन असम्बली अहमद बलाना ने अकबर बाग डिवीजन में मुनक़िद किया जायज़ा इजलास, MN एरिया हॉस्पिटल का अमला भी मौजूद। कत्ल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार, आसिफ नगर रोड पर खुलेआम किया गया था कत्ल। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।